नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, और 11,140 में बताया था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट नीचे आई। तो एग्जैक्ट लेवल हम हमेशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए। 21,845 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बताया था, 22,078 से सेलिंग, ये भी मैंने आपको पहले से ही बताया था। तो जो जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए, उसके अलावा जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो ये आइए अब हम देखते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में बताया था कि यहाँ पे सेल ऑन राइज वाला मामला है, यहाँ से भी सेल ऑन राइज वाला रेजिस्टेंस ही है, दोनों जगह ब्रेकआउट तभी आएगा अगर 75,200 के ऊपर सेंसेक्स आएगा, तभी वही हुआ जैसा आपको बताया गया था। अब सपोर्ट कहाँ है, 74,166 के आसपास, और इम्पोर्टेंट लेवल जो रास्ते के हैं, अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है 353, 670 और फिर 784, 75,176, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे बताया था कि 71,308 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली वहीं से सेलिंग आई। पेन क्रिएट और ज्यादा कहाँ होगी, अगर 70,000 का लेवल टूटा तो और ज्यादा पेन क्रिएट हो जाएगी, और नीचे सपोर्ट अगर कहीं जाके है तो 69,352 के आस। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रुपये में भी आपको बताया था 83.70 के आसपास रेजिस्टेंस है और 83.23 के आसपास सपोर्ट, और आपने देखा पिछले 3-4 दिन से यहीं से सपोर्ट लेके धीरे धीरे जो ऊपर गया। तो इस तरह से अब तो फेड की मीटिंग है, तो फेड की मीटिंग के बाद हो सकता है ये फिर से नीचे आ जाए। तो जहां प्राइस एक्शन है वही कोशिश किया कीजिए किसी तरह की ट्रेड लेने की, वरना उससे पहले बीच में हवा में कुछ नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टॉक्स हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, ये तो आपको पता है, हमारा काम है चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी देनी। तो महिंद्रा है, महिंद्रा में डबल बॉटम बना है, और डबल बॉटम जब भी कोई स्टॉक देता है तो क्या होता है उसके बारे में लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है और एग्जाम्पल देके बताया हुआ है। फ्री में लेक्चर है, वो यूट्यूब के लिंक से खोल सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिन निफ्टी पर। फिन निफ्टी में 22,060, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब बाय 20,060 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा, और ये एरिया सेल ऑन राइज वाला एरिया रहेगा, और सपोर्ट अगर कहीं है तो वो है 21,545-550 के आसपास, इसी एरिया में सपोर्ट है, यहीं पे 10 MA भी है। अगर यहां से वापस सपोर्ट लेती है फिन निफ्टी तो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 609, 645, 715, 778, 897, 997 और 22,050-60। शॉर्ट कवरिंग जो कहीं बन सकती है वो बनती है 22,200 के ऊपर ही। 22,200 के ऊपर अगर आई तो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ऊपर के जो लेवल हैं 22,282, 310 और 390, बाकी 22,400, 420 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में भी 11,150 जो कि बताया था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम, और नीचे अगर कोई बड़ी दीवार आपको याद होगी 10,900 की, वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जब निकली तो खूब भागी मिड कैप निफ्टी, तो 10,920 वही बड़ी दीवार अब सपोर्ट का काम करेगी। अगर वापस यहाँ आती है तो 974, 11,000, 11,010, 10, 20, 43, 70, 80, 128 और 150, बाकी 150 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेल ऑन राइज वाला एरिया, 128, 80, 40, 20, 11,000, 974 और वापस 10,900, मतलब ये रेंज अब
चल सकती है। ऊपर की ओर जो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है वो पॉसिबल है 11,166 के ऊपर ही। जैसे ही 166 के ऊपर आएगी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी शॉर्ट कवरिंग की, और ऊपर के जो लेवल होंगे इम्पोर्टेंट 195, 220, 235 के ऊपर और तेज शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। फिर ऊपर 11,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये था फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का कंप्लीट प्राइस एक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।